Hello everyone, in this video we are going to discuss about the enzyme immobilization. Enzyme immobilization matlab ki enzyme ko hum kya kar rahe hai? We are restricting the mobility of the enzyme in a fixed space, right? So suppose karo ki ye ek enzyme hai, this is the enzyme. Ab hum isko kya kar denge? Ab ye jo enzyme hai ye freely ghum sakta hai kidhar bhi kyunki ye abhi free hai. Ab hum kya karenge? Isko एक कवच के अंदर बंद कर देंगे. अब ये क्या हो जाएगा? कोई मूव नहीं करेगा. ये इमोबिलाइज्ड एंजाइम हो गया. अब मतलब कि हमने इसकी मूवमेंट को क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन अ फिक्स्ड स्पेस. एंड इसको हम बोलते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन. अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं? सो एंजाइम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे आते हैं. तो हम उनको रीयूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर हम इमोबिलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं. सो इट प्रोवाइड्स बेटर एनवायरनमेंट फॉर द एंजाइम एक्टिविटी. नेक्स्ट, जो इमोबिलाइज्ड एंजाइम होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू द फ्री एंजाइम्स. प्रोडक्ट प्योरिटी जो है वो भी इम्प्रूव हो जाती है. मैक्रोस्कोपिक कैटलिस्ट दैट कैन बी रिटेन इन द रिएक्टर. कंटिन्यूस रिप्लेसमेंट ऑफ एंजाइम्स नॉट नेसेसरी if we use the immobilized enzyme. So now the types of enzyme immobilization: covalent bonding, cross linking, adsorption, encapsulation and entrapment. So surface immobilization is of two types. One is adsorption, another one is the covalent binding. So adsorption kya hota hai ki jo support matrix hota hai uske sath mein hum enzymes ko attach karte hain. एंड वहाँ पे जो बाइंडिंग हो रही है वो वीक फिजिकल फोर्स की वजह से होती है. वीक फोर्सेस जैसे कि वैन डर वाल फोर्स, डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से. द सपोर्ट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक मिनरल सपोर्ट, ऑर्गेनिक सपोर्ट और द मॉडिफाइड सेफरोस एंड आयन एक्सचेंज रीजन. सो यहाँ पे परमानेंट बॉन्डिंग तो होती नहीं है. एंजाइम्स और सपोर्ट के बीच में कैसी बॉन्डिंग है? वीक बॉन्ड्स है जो कि कैसे हैं? वीक बॉन्ड्स जैसे कि वैन डर वाल फोर्सेस, आयनिक इंटरैक्शंस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो एडवांटेजेस ऑफ एड्सॉर्प्शन मेथड इज नो पोर डिफ्यूजन लिमिटेशन, इजी टू कैरी आउट, नो रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड, मिनिमम एक्टिवेशन स्टेप्स आर इन्वॉल्व, कंपेरेटिवली चीप मेथड ऑफ इमोबिलाइजेशन, लेस डिस्ट्रप्टिव टू एंजाइम्स देन द केमिकल मेथड्स. एंड द डिसएडवांटेजेस आर the desorption of the enzymes from the carrier, efficiency is less. Next is the covalent bonding. Covalent bonding ka matlab hai ki jo enzyme hai wo support surface se kis tarike se attached hai, covalent bond se attached hai. So enzyme aur support surface ke beech mein jo bond hai that is a covalent bond. Covalent bond kya hota hai? Ek strong bond hota hai. And yahan pe जो बाइंडिंग होती है, देखो सपोज़ करो कि ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट सरफेस हो गया और ये हो गया अपने पास एंजाइम. ठीक है, यहाँ पे एक छोटू सा मॉलिक्यूल होता है और फिर ये अटैच होता है एंजाइम से. एंड ये कौन सी बॉन्डिंग है? कोवलेंट बॉन्ड है. तो ये जो मॉलिक्यूल है, दिस स्मॉल मॉलिक्यूल इज़ वॉट? इट इज़ द फंक्शनल ग्रुप. फंक्शनल ग्रुप्स हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकता है, कार्बोक्सिल ग्रुप हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है, सल्फाहाइड्रल ग्रुप हो सकता है, जिससे कि ये अटैच्ड होते हैं. अब जो यहाँ पर सपोर्ट सरफेस है वो क्या हो सकता है? कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं जैसे कि सेलुलोस, DEAE, सेलुलोस, एगरोस, सिंथेटिक एजेंट्स फॉर एग्जाम्पल पॉलीक्राइलमाइड, प्रोटीन कैरियर्स लाइक कॉलेजन और जेलेटिन, अमीनो ग्रुप बियरिंग कैरियर्स लाइक द अमीनो बेंजाइल सेलुलोस, इनऑर्गेनिक कैरियर्स लाइक पोरस ग्लास और सिलिका, सियानोजन ब्रोमाइड एगरोस एंड साइनोजन ब्रोमाइड सेफरोस. Now the advantages of covalent bonding is strong linkage of enzymes to the support, no leakage or desorption problem, comparatively simple method, variety of support with different functional groups are available, and there is wide
applications. Disadvantages are that the chemical modification of enzymes leading to the loss of the functional conformation of the enzyme, enzyme inactivation by the changes in the conformation when undergoes reaction at the active site. This can be overcome through immobilization in the presence of enzyme substrate or a competitive inhibitor. Because competitive inhibitor, it blocks the active site, right? Next method is the entrapment. Entrapment में हम क्या करते हैं, जो enzymes हैं उनको physically entrap कर लेते हैं inside a porous matrix, और जो bonds यहाँ पर involved होते हैं in the stabilization of the enzyme to the matrix, may be covalent or non-covalent, कोई सा भी bond हो सकता है. Matrix used will be a water-soluble polymer. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो enzyme है हमने उन्हें trap करके रखा है matrix में. एंड यहाँ पर ये जो आप मैट्रिक्स है ये क्या हो सकती है, पॉलीएक्राइलामाइड जेल, सेलुलोस ट्राई एसीटेट, अगर हो सकता है जेलेटिन एंड कैराजिनिन एल्जिनेट. सो मेथड्स ऑफ एंट्रैपमेंट, द फर्स्ट वन इज़ द इंक्लूजन इन जेल्स. एंजाइम्स को अगर हम जेल के अंदर ट्रैप करें, अगर फाइबर के अंदर करेंगे तो दैट इज़ इंक्लूजन इन फाइबर्स. इंक्लूजन इन माइक्रो कैप्सूल्स इज़ when the enzymes are entrapped in the microcapsules formed by the monomer mixtures such as the polyamine and calcium alginate. Advantages kya hai, fast method of immobilization, cheap, easy to practice at small scale, mild conditions are required, less chance of conformational changes in the enzyme, can be used for sensing application. Disadvantages is leakage of the enzyme, pore diffusion limitation, chance of microbial contamination, not much success in the industrial process. Next is the cross-linking or the co-polymerization. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो enzyme है ये आपस में उलझे हुए लग रहे हैं, उलझे हुए cross-links यहाँ पर बने हुए हैं. Unlike the other methods, there is no matrix or surface. So this method is also known as copolymerization. In this method, immobilization enzymes are directly linked by covalent bonds. Kaisa bond yahan pe hai? Covalent bond kiske beech mein hai? Between groups of enzymes via a polyfunctional reagent. Yahan pe koi matrix ya surface nahi hota hai. Aur jo polyfunctional reagents hain wo glutaraldehyde ya fir diazonium salt ho sakta hai. Ye technique cheap hai, simple hai, so this is the advantage, but not often used with the pure enzymes. This method is used in the commercial preparation and industrial application. The greatest disadvantage is that the polyfunctional reagents used here may denature or structurally modify the enzyme, jisse ki aapko kya ho jayega, jo enzyme hai uski jo catalytic properties hai wo kam ho jayengi. Next is the encapsulation. So this type of immobilization is done by enclosing the enzyme in a membrane capsule. अब हम enzyme को क्या करेंगे, एक membrane capsule के अंदर entrap करने वाले हैं. The capsule will be made up of semi-permeable membrane like the nitrocellulose or nylon. So यहाँ पर हम क्या करते हैं, suppose करो कि ये हमारे पास क्या है, this is the enzyme solution. ये क्या है, एंजाइम का सॉल्यूशन है. अब इसके बाहर क्या होने वाला है, सो इसको हम कवर कर देंगे एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन के साथ में. तो हमने इसको क्या कर दिया, एनकैप्सुलेट कर दिया इसको, लाइक यहाँ पे स्पेशल फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन एंट्रैपमेंट कर दिया. सो इसको बोलते हैं हम एनकैप्सुलेशन. एडवांटेजेस क्या है, चीप है, सिंपल मेथड, लार्ज क्वांटिटी ऑफ एंजाइम कैन बी इमोबिलाइज्ड. डिसएडवांटेजेस आर पोर साइज लिमिटेशन, ओनली स्मॉल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज एबल टू क्रॉस द मेम्ब्रेन. सो इनकैप्सुलेशन इज अ टाइप ऑफ एंट्रैपमेंट इन विच द एंजाइम्स आर रेगुलरली टेकन अप इन द एक्वस मीडियम विच फर्दर इंक्लोज्ड इन अ सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन. सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन हियर कैन बी पॉलीमेरिक, लिपोइडल और नॉन आयनिक इन नेचर. So advantages of using immobilized enzyme over the free enzymes are increased functional efficiency of the enzyme, enhanced reproducibility of the process they are undertaking,
रीयूज ऑफ द एंजाइम, कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ एंजाइम, लेस लेबर इनपुट इन द प्रोसेसेस, सेविंग इन कैपिटल कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोसेस बिकॉज एंजाइम्स आर वेरी कॉस्टली, मिनिमम रिएक्शन टाइम, लेस चांस ऑफ कंटामिनेशन इन द प्रोडक्ट्स, मोर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, स्टेबल सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, इम्प्रूव्ड प्रोसेस कंट्रोल, हाई एंजाइम सबस्ट्रेट रेशियो. And the disadvantages are high cost for isolation, purification and recovery of active enzyme. Industrial applications are limited and only few industries are using immobilized enzymes. Catalytic properties of some enzymes are reduced or completely lost after their immobilization on the support or carrier. Some enzymes become unstable after immobilization. Enzymes are inactivated by the heat generated in the system. Now, what is the application of the enzyme immobilization? The first one is the industrial production. Many industries uses the immobilized enzyme for the production of antibiotics, beverages, amino acids, and many other products. Biomedical application. These enzymes are widely used in the diagnosis and treatment of many diseases. Immobilized enzyme can be used to overcome the inborn metabolic disorders by the supply of the immobilized enzyme. Immobilization techniques are effectively used in the drug delivery systems, especially to the oncogenic sites. Then the food industry. Enzymes like the pectinases and cellulases immobilized on a suitable carrier are successfully used in the production of jams, jellies, syrups from the fruits and vegetables. Then in research. Research also uses the immobilized enzyme. The use of these enzymes allow the researcher to increase the efficiency of the different enzyme such as the HRP in the blotting experiments and different proteases for the cell or organelle lysis. Then we can use them in the production of biodiesel from the vegetable oil, in wastewater management for the treatment of sewage and industrial effluents. They can be used in the textile industries and in the detergent industry. So that's all for today. Thank you and have a great day.